हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब में आपका स्वागत है, केंजल एल्युमिनियम में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बताएंगे डेढ़ पौना सेक्शन का स्लाइडिंग कैसे बनाते हैं, कैसे ड्रिलिंग करते हैं। तो ये देखिए कैसे ड्रिलिंग कर रहे हैं। पंचिंग हो चुका है, ड्रिलिंग कर रहे हैं। और ड्रिलिंग करने के बाद पीछे जो वायरिंग खाँचा रहता है उसका होल मार रहे हैं। ऐसे ड्रिलिंग कर रहे हैं, देखिए वो वायरिंग खाँचा का जो रहता है उसको ड्रिलिंग करेंगे। फिर उसको कट करके निकाल के उसको फाइल से मारेंगे तो वायरिंग खाँचा का होल हो जाएगा। तो ये डेढ़ पौना सेक्शन है, डेढ़ पौना सेक्शन का स्लाइडिंग है। इसको वायरिंग खाँचा कैसे बनाते हैं और स्क्रू का ड्रिलिंग कैसे करते हैं वो बता रहे हैं आपको। स्क्रू का ड्रिलिंग करते हैं, इसे ड्रिलिंग करने के बाद उसके पीछे उल्टा करके उसको जो वायरिंग का खाँचा रहेगा उसमें भी ड्रिलिंग करके एक्सो से काट के उसको फाइलिंग मारते हैं। फाइलिंग मारने के बाद वायरिंग का खाँचे का हो जाएगा। डेढ़ पौना सेक्शन का स्लाइडिंग है, डेढ़ पौना सेक्शन का स्लाइडिंग का ड्रिलिंग कैसे करते हैं। पंचिंग मार के पहले पंचिंग मारते हैं, फिर उसके बाद जो पंच मारा रहता है उसका निशानी उसी पे ड्रिलिंग करते हैं। तो अभी पंच मार के हो गया है, उस पर ड्रिलिंग हो रहा है। ध्यान से देख सकते हैं किस तरह ड्रिलिंग होता है। पहले वायरिंग खाँचा का हो 360 से होल मारे, फिर अभी 1/4 से होल मार के बड़ा होल वायरिंग खाँचा बराबर बनाएंगे। सीधा मारते हैं, सीधा मार के फिर ऊपर मारते हैं। ऊपर मारने के बाद उसको पलटी मारेंगे, पलटी मारने के बाद नीचे से मारेंगे जो 360 का होल मारा है उसे फ्री करेंगे। तो वो कोटेशन मार रहे हैं, कोटेशन किससे मारते हैं वो ध्यान से देख सकते हैं। इस तरह से कोटेशन मारा जाता है, विंडो का कोटेशन। डेढ़ पौना सेक्शन का 360 होल मारने के बाद उसके ऊपर कोटेशन मारते हैं। 6/6 का स्क्रू लगेगा। ये पलटी करके वायरिंग खाँचे का मरा रहा है, अब इससे मराएगा कोटेशन। पलटी मार के नीचे का मारा जाएगा। ध्यान से देख सकते हैं, इस तरह से आप सीख जाएंगे किस तरह मारा जाता है। तो इस तरह से वायरिंग खाँचा मारा जाता है। स्लाइडिंग बनाना आप लोग सीख जाएंगे किस तरह स्लाइडिंग बनाते हैं डेढ़ पौना सेक्शन का। इसको कोटेशन मारेंगे, देखो किस तरह कोटेशन मार रहे हैं। कोटेशन मारने का सही तरीका आप लोग जान के, ताकि उसके अंदर वो गोल मट्ठा रहता है स्क्रू का, वो चपटा मट्ठा रहता है, वो फर्स्ट क्लास उसके अंदर बैठ जाए, इसके लिए कोटेशन मारते हैं। तो आप लोग कोटेशन मारने को सीख गए, अभी आगे आपको बता रहे हैं। अभी जो वायरिंग खाँचा है उसको 100 फ्रेम से कटिंग करके साफ करेंगे। पहले ड्रिल से मार के 1/4 से साफ कर लेंगे, बाद में 100 फ्रेम से उसको कटिंग करेंगे बराबर। उसको कटिंग करके बराबर उसको खाँचा जो है ग्रू वाला उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद उसको फाइलिंग मार के स्मूथ करेंगे। फाइल मार के उसको स्मूथ कर रहे हैं वायरिंग खाँचा का। दोनों तरफ फाइल मारा जाता है। फाइल मारने के बाद ग्रू में कैसे मारते हैं ध्यान से देखिए।
बैरिंग में ड्रिलिंग करना आप सीख गए, किस तरह ड्रिलिंग करके होल मार के और बैरिंग खाँचा मार के उसको फायरिंग करते हैं। इस तरह से ध्यान से देखिए, ये पीस तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से फाइलिंग मारते हैं, फाइलिंग मार के उसको क्लीन कर लेंगे साफ से, तो फाइलिंग मार के बराबर साफ कर लेंगे। हर एक हैंडल इंटरलॉक सबका बैरिंग खाँचा का साफ करेंगे। ये हैंडल है, अभी जो ये दोनों किया हुआ इंटरलॉक था, ये हैंडल है, फाइलिंग हो चुका है। आगे आपको दिखाते हैं, इसका भी फाइलिंग हो जाएगा। ये टू ट्रैक स्लाइडिंग है, इसका वायरिंग खाँचे का फाइलिंग हो रहा है। इस तरह से स्लाइडिंग बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो स्लाइडिंग आसानी से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ कलाकारी नहीं है। ध्यान से देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से स्लाइडिंग बनता है। कोटेशन कैसे मारते हैं ध्यान से देखिए, इस तरह जिधर स्क्रू 316 मारा हुआ है उसका कोटेशन मार रहे हैं। कोटेशन मारना सीख गएंगे, इस साइड मारे अभी उस साइड का भी मारेंगे। एक साइड का मार दिया, अभी दूसरा साइड का मारेंगे। सबका कोटेशन मारना पड़ता है चारों का। इसमें एक शटर में 8 स्क्रू लगता है, 4 नीचे 4 ऊपर। ये कोटेशन क्यों मारते हैं, ताकि वो चपटा मट्ठा उसके अंदर जाएगा, फर्स्ट क्लास के बैठ जाए स्क्रू, खाँचे में बैठ जाएगा तो उसके लेवल दिखेगा, अच्छा दिखेगा, इसके लिए कोटेशन मारते हैं। इसको इंजी से थोड़ा फैला लेंगे। ये क्यों फैलाते हैं, ताकि बैरिंग बटन उसके लेवल में परफेक्ट बैठ जाए। आधा डोरा का फर्क आ जाता है तो वो खट खट लड़ता है, आवाज़ आती है इंटरलॉक का, इसके लिए थोड़ा इंजी से फैला लेते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह फैला रहे हैं। ये सब पॉइंटेड वाली बात है, आप पॉइंटेड वाली बने रहेंगे वीडियो में तो हर एक चीज पॉइंट आपको मिलेगा, तो एक एक पॉइंट सीखेंगे तो आप सीख सकते हैं, आसानी से इंटरलॉक फंसा सकते हैं वायरिंग लेवल करने के लिए। ध्यान से देखेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। साइड इस साइड इंजन से फैला रहे हैं और उस साइड फ्रेम जोड़ रहे हैं, एक एक फ्रेम जोड़ते जाएंगे। और इस तरह से स्लाइडिंग बनता है, आप लोग ध्यान देंगे तो सीखने में आसानी रहेगी। देखिए किस तरह इंजन से फैला रहे हैं, ध्यान से फैला रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे तो आप लोग भी समझ जाएंगे। एकदम दोनों साइड सेम फैलना चाहिए, ये नहीं एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, दोनों सेम फैलना चाहिए। इस तरह से इंजन से फैलाते हैं, इंजन से ग्रू फैलाने का सही तरीका आप लोग जान गए होंगे। इस साइड बना रहे हैं फ्रेम, उस साइड फ्रेम जोड़ा रहा है, हर एक फ्रेम बनाएंगे, बाद में उसमें क्लास लगा के टाइट करके स्लाइडिंग बना के फिट कर देंगे। तो आप लोग ध्यान से देख सकते हैं किस तरह से स्लाइडिंग बन रही है। फाइल से मार के उसको घस लेंगे बराबर, ताकि बैरिंग का खाँचा में लड़े ना। बैरिंग साइड इस साइड जोड़ाएगा, इधर फाइल मरा रहा है बैरिंग खाँचे में, उधर उधर बैरिंग साइड वाला बैरिंग बटन जोड़ाएगा। आप देखिए किस तरह फ्रेम जोड़ा रहा है, स्लाइडिंग का फ्रेम किस तरह जोड़ाता है, किस तरह टॉप बॉटम जोड़ाता है, किस तरह बैरिंग बॉटम जोड़ाता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी इंटरलॉक जोड़ा गया, हैंडल जोड़ाना बाकी है। देखिए किस तरह हैंडल जोड़ाएगा, इस तरह हैंडल जोड़ाएगा, बैरिंग के खाँचा और उसका खाँचा वाला बैरिंग के खाँचा और रहेगा, प्लेन वाला टॉप बॉटम किधर रहेगा,
इस तरह से फ्रेम जोड़ाता है। स्क्रू देखिए किस तरह टाइट करते हैं। इसमें 66 का स्क्रू लगेगा, 66 का स्क्रू लगेगा, 66 का स्क्रू लगेगा। स्क्रू टाइट करते रहेंगे, फिर इसके बाद टोटल एक में दो, दो चार, दो छः, दो आठ स्क्रू लगेगा। एक तरफ दो स्क्रू लगता है, एक तरफ दो, फिर दूसरे तरफ दो, फिर नीचे चार, नीचे ऊपर चार, आठ स्क्रू टोटल लगता है। 66 का स्क्रू लगेगा तो ये फ्रेम बन जाएगा जॉइंट करके। इस तरह इसको फैला लेंगे एंजिस से। एंजिस से लोखन का वेल्डिंग मारा हुआ है ताकि दोनों साइड एकदम इक्वल टाइप का फैले। उधर वायरिंग सेक्शन जुड़ाएगा और एक तरफ टॉप सेक्शन जुड़ाएगा तो नीचे ऊपर दोनों फैलाते हैं। ध्यान से देखिए किस तरह फैलाते हैं। इस तरह फैला लेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ध्यान से देखिए इसको ड्रिलिंग कैसे करते हैं, पंचिंग किया हुआ ड्रिलिंग कैसे करते हैं ध्यान से देख सकते हैं। इसमें ड्रिलिंग किया जा रहा है, जिधर पंच का नोक मारा रहता है उधर ही ड्रिल का नोक लगा कर उसके ड्रिलिंग करते हैं। तो ये डेढ़ पौना सेक्शन का स्लाइडिंग कैसे बनाया जाता है वो आप ध्यान से देखेंगे सीख जाएंगे। बाकी साइज में बताया हूँ, पिछले वीडियो में देख जाके देख सकते हैं उसका साइज कैसे निकालते हैं स्लाइडिंग का पौने का देख सकते हैं। फ्रेम बन रहा है, आप देख सकते हैं किस तरह फ्रेम बना है। वायरिंग बॉटम एक साइड जाएगा, टॉप बॉटम एक साइड जाएगा, इस तरह से फ्रेम जॉइंट होता है, इस तरह फ्रेम जॉइंट होता है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह फ्रेम जॉइंट करते हैं, वायरिंग बॉटम में जॉइंट करते हैं, इस तरह से फ्रेम बनाते हैं। फ्रेम बनाने का सही तरीका, 66 का स्क्रू लगता है, 66 का स्क्रू टाइट करेंगे, 66 के स्क्रू से टाइट करेंगे, फिर उस साइड लगाएंगे। इस तरफ हैंडल लग रहा है, ऊपर से इंटरलॉक लगेगा। लॉक खाँचा का मार्किंग कर रहे हैं, लॉक खाँचा कैसे मार्किंग मारते हैं इस तरह टेप से नापेंगे और लॉक खाँचा का मार्किंग करेंगे। ये लॉक खाँचा का मार्किंग हो रहा है, ये 3-1-8 रहेगा सेंटर में मार्किंग किए, फिर 3-1-8 का मार्किंग करेंगे। 3-1-8 का मार्किंग करके उसको फिर पौना का पूरा 3 इंच मारेंगे, पौना बाई 3 उसको खाँचा मार के अंदर करेंगे। कैंसिल लॉक लगेगा। ध्यान से देखिए किस तरह खाँचा मार रहे हैं। अभी इस तरह स्लाइडिंग का लॉक का खाँचा, आगे कुंडी का खाँचा मारेंगे, कैंसिल लॉक लगेगा। तो इस तरह से आप खाँचा 1 इंच का मार सकते हैं, 1 इंच बाई 1/2 इंच, वो 5/8 का रहेगा, 5/8 बाई 1 इंच का कुंडी का खाँचा। ध्यान से आप देख सकते हैं पौने का हैंडल लगाए हो मार्किंग पे, फिर ये साइड टू साइड मारेंगे, 1/2 इंच का खाँचा हो जाएगा, वो कैंसिल लॉक लगेगा, उसमें स्टार लॉक कैंसिल लॉक, वो अंदर जाएगा लॉक। इसके लिए मार्किंग मारते हैं, मार्किंग मार के वो कट करके निकालेंगे। मार्किंग हो चुका है, अभी ड्रिल से कटिंग होएगा। आसानी से खाँचा मार के उसको ड्रिलिंग से चारों ओर मार के उसको निकाल लेंगे खाँचा, फिर कैंसिल लॉक लगाएंगे। इस साइड मारे होल ड्रिलिंग, उस साइड भी मारेंगे 1/2 इंच, 1/2 इंच से उधर से भी मारेंगे, फिर यहाँ से साइड से उस साइड से 1/2 इंच के चीर देंगे, निकाल लेंगे उसको, खाँचा कैंसिल लॉक बन जाएगा। 100 फ्रेम से उसको खाँचा मार रहे हैं, देखिए किस तरह मारते हैं। तो वायरिंग खाँचा उसको बोलते हैं।
वायरिंग खाँचा किस तरह मार रहे हैं यहाँ से देखेंगे। वायरिंग खाँचा इसका फ्रेम काटते हैं, उसका वायरिंग चलता है, उसका नौ खाँचा कुंडी का खाँचा मार रहे हैं, राउंड पाना है, राउंड पाने से निकाल लेते हैं लॉक खाँचा मार के। आसानी से धीरे धीरे डिल जाएगा और उसका राउंड खाँचा मारा जाएगा, आसानी से मारा जाएगा। कुंडी का खाँचा मारा गया, उसको फाइल मार के राउंड लॉक खाँचे का फाइल मार के उसे करते हैं। फ्रेम को इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे, हर एक फ्रेम को धीरे धीरे एक एक ज्वाइंट करेंगे और लॉक खाँचा बनाएंगे, फिर लगाएंगे। अभी वो जो कैंसिल लॉक था उसका खाँचा इस तरह मारते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो किस तरह लॉक खाँचा मराता है। कैंसिल लॉक खाँचा मारते हैं इस तरह, इस तरह से लॉक खाँचा ड्रिल मशीन से उसको चीरेंगे, फिर फर्सी थोड़ी से मार के निकाल देंगे उसको, फिर दूसरी साइड का चीरेंगे। एक साइड का हो गया है, इस तरह से दूसरी साइड का चीरेंगे, इस तरह से देखें लॉक खाँचा हो गया है, उसको कैंसिल खाँचा हो जाएगा। लॉक खाँचा मारा गया है, फाइल से उसको फिनिशिंग करेंगे। किस तरह स्लाइडिंग बनती है आपको देख लो ध्यान से, तो स्लाइडिंग बनाना आ जाएगा। ये जो फ्रेम बना हुआ दिख रहा है उसके बीच में कांच आएगा, फ्रेम जोड़ दिया गया है, अभी कांच आएगा तो उसको खोल कर वापस कांच में टाइट कर देंगे। उसको उसमें लेग रहता है अंदर, गुरु का लेग रहता है, उसको फाइल से फर्सी से काट के निकाल देंगे। फर्सी को धार लगाना है तो इस तरह धार लगा लेते हैं पत्थर पे, पत्थर का धार लगा के तब उसको लॉक खाँचा को फिनिशिंग से साफ करके इस तरह से स्लाइडिंग बनाते हैं। तो आपको अभी इसका फिटिंग देखना है तो फिटिंग करके दिखाएंगे, फिटिंग करके दिखाएंगे आपको। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दूसरा आगे देखने के लिए कैसे फिटिंग करते हैं। अभी स्लाइडिंग हम लोग बनाने के लिए दिखा रहे हैं, फिटिंग का अलग दिखाएंगे वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में आने के लिए आपको सब्सक्राइब और लाइक करना है, तो सपोर्ट करिए, धन्यवाद।